हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परमाउंट इंग्लिश स्टडी विद राजन सर। आप लोगों को आज जो देना है बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को, जैसे कि हम पहले वीडियो में बता चुके थे कि जिस तरह से लोक सेवा आयोग का राजकीय महाविद्यालय का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम 17 अप्रैल को होना था, वो कल आपको बताए थे कि वो स्थगित हो गया था। अब उसी तरह से आपको हम अंदेशा बताए थे कि ये ज़्यादा चांस हो गया है कि आपका जूनियर जो परीक्षा होना है भर्ती के लिए अध्यापक का, और उसका एग्ज़ाम आपका 18 अप्रैल को होना था, उस परीक्षा के भी स्थगित होने का पूरा चांस हमने बता दिया था कल ही वीडियो में, आपने देखा होगा। और आज आपके पास देखिए यह आदेश आ चुका है, आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 6 अप्रैल जैसा कि यह डेट है, और इस प्रकार का आदेश आ चुका है जिसके लिए पंचायत चुनाव को देखते हुए एक बार फिर आपका भी जो है परीक्षा यहाँ से स्थगित किया गया है। हाँ, आपका परीक्षा कब होगी इसकी अभी कोई सूचना या कोई ऐसा निर्देश अभी तक नहीं दिया गया है। ये बताया गया है कि आने वाले समय में इसको बताया जाएगा। तो ये तो आप लोगों के लिए जो था, हम जैसा अंदेशा किए थे वैसा ही हुआ, एक बार फिर वही। और जैसा कि बात है रिजल्ट के लिए, तो आप ध्यान रखिएगा PGT आर्ट और सिविक्स बालिका का PGT का रिजल्ट आप लोगों का कभी भी आ सकता है, जानकारी जो मिल रही है। इसमें ये नहीं मैटर है कि इलेक्शन के नाते आपका रिजल्ट रुकेगा, ये रिजल्ट आ जाएगा। हाँ, जो आर्ट वाला TGT आर्ट का रिजल्ट है बॉयज़ का, वो कोर्ट के डिसीजन के बाद ही आएगा, ये चीज़ आपको बता रहे हैं, ये ध्यान में रखिएगा, पहले से बताते आ रहे हैं। और बाकी कॉलेज अलाटमेंट का 7 अप्रैल के बाद हम आपसे कहे थे कि आपका DOS ऑफिस पर लेटर जाना स्टार्ट हो जाएगा शुरू, वो जैसे आता है आपको जानकारी उसकी भी मिल जाएगी। इंग्लिश की प्रिपरेशन भी आप अच्छी तरह से लगे होंगे, और भी सब्जेक्ट वाले अपने अपने प्रिपरेशन में लगे होंगे, लेकिन एग्ज़ाम जो आपका है वो TGT का केवल एक जून में एक चांस जो बन रहा है 2nd और 3rd वीक में, उसके बाद अगर कोई और कंडीशन बनता है COVID-19 को लेकर के स्पेशली, तो वो आपका एग्ज़ाम टल सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, इसलिए एग्ज़ाम कराना इनको जो है करना ही पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन इनकेस अगर ऐसा मैटर बढ़ता है तो वहाँ से उनको सहूलियत मिलेगी, क्योंकि मैटर जो है ये सुरक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर हो जाता है, तो वहाँ पर कोर्ट भी यहाँ पर रिलैक्सेशन उनको दे सकता है यदि ये यहाँ पर जा कर के अपना रिक्वेस्ट रखते हैं कि सर ऐसे कंडीशन में एग्ज़ाम कैसे कराया जाए। तो इस कंडीशन में आपका एग्ज़ाम टल सकता है, यह बात आप ही को आज ही बता रहे हैं, पहले कई दिनों से इस बात को बता रहे हैं, लेकिन इस बात को आप ध्यान रखेंगे तो समझ में आएगा कि एग्ज़ाम आपका जो है वो टल सकता है PGT TGT का भी, और वो टलेगा तो जाएगा अक्टूबर नवंबर के बाद ही, ये भी बता रहे हैं आपको। अगर एग्ज़ाम आपका जून में हो गया तो हो गया, कोई ऐसा मैटर नहीं हुआ, COVID-19 का जो पेंडेमिक है वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हुआ, तो एग्ज़ाम हो जाएगा। और इनकेस अगर ऐसा नहीं होता है तब वो जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आएगा, जैसा आगे कि उनकी नए निर्देश होंगे, आदेश होंगे, उसके तहत वो कार बोर्ड करेगा। तो आगे के लिए जैसा भी होता है हमको जानकारी मिलती है वो आपको बताएंगे। कॉलेज अलाटमेंट की बात हमको बता चुके हैं, DYS ऑफिस पर आपका जो है लेटर आना 7 अप्रैल के बाद शुरू हो जाएगा, जैसे आता है जानकारी वो भी हम बता देंगे कि आना शुरू हो गया है। तो इस तरह से वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स, हैव ए नाइस डे।